हेलो दोस्तों, तो जी मैं आपको एक स्लाइडिंग विंडो दिखाना चाहता था कि स्लाइडिंग विंडो कैसे वर्क करती है। ये एक थ्री ट्रैक में मैंने एक स्मॉल सैम्पल बनाया है तो एक्सप्लेन करने के लिए कि कैसे वर्क करती है। और इसकी बोथ साइड ग्लास लगा हुआ है लेफ्ट राइट पे, और जो तीसरा पल्ला है वो जाली वाला पल्ला है, मैश वाला। मैश वाले के पल्ले के ऊपर अभी मैंने हैंडल नहीं लगाए हैं। जैसे कि ये थ्री ट्रैक मैं दिखा देता हूँ कि थ्री ट्रैक कैसे होता है। जैसे ये अभी इसके थ्री ट्रैक बने हुए हैं, 1 2 3, और ये हैंडल लगा हुआ है, और इसके पीछे स्टॉपर लगे हैं कि अगर कोई इसको मूव भी करे तो 5 6 mm का गैप इसमें रहेगा। इसके अप एंड बॉटम दोनों पे ही स्टॉपर लगे हैं, ये अंदर भी लगा सकते हैं, वैसे मैंने बाहर लगवाए हैं। और ये ड्रेनेज के लिए ड्रेनेज होल इंस्टॉल है, उसके ऊपर कैप लगा है। अगर इसमें पानी स्टेबल हो तो वो ड्रेन हो जाएगा, आउट हो जाएगा, पानी स्टे नहीं रहेगा। जैसे ही रेन ख़त्म होगी तो पानी वैसे ही सारा ड्रेन हो जाएगा। ये हैंडल लगा है, जो जे मैंने 3 फुट का एक सैंपल बनाया है एक्सप्लेन करने के लिए। हैंडल है, मल्टी पॉइंट लॉक सिस्टम है, दो जगह से ये लॉक हो रहा है अकॉर्डिंग टू हाइट, क्योंकि ये इसकी हाइट 3 फुट है तो जो दो जगह से लॉक होगा। अगर इसकी हाइट ज़्यादा होगी तो वैसे वैसे इसके लॉक बढ़ते जाएंगे। तो इसके अंदर स्पैज लगी है जो लॉक इसके अंदर ग्रिप होते हैं। ये स्लिम हैंडल है, बिल्कुल पल्ला स्लाइड होगा जाली वाला इसके। अगर सपोज करो मैं इसको ओपन करता हूँ तो ये मेरा जाली वाला पल्ला इसके आगे आ जाएगा। इसमें भी लॉक लग सकता है और इसको लॉक कर सकते हैं, तो इसमें ये ऑप्शन है। आप बाहर जाली वाला पल्ला ओपन करोगे, ये स्लाइडिंग आगे आ जाएगा। और ऐसे ही ये दूसरी तरफ टच लॉक लगा है, ये सिंगल पॉइंट है, हम इसको भी मल्टी पॉइंट कर सकते हैं। तो ये एक जगह से लॉक होता है, मैंने सैंपल ये सिर्फ दिखाने के लिए एक साइड सिंगल लॉक और दूसरी तरफ मल्टी पॉइंट लॉक यूज़ किया है। इसको जैसे ही इस साइड से ओपन करेंगे तो जाली वाला पल्ला मेरा दूसरी साइड पे आ जाएगा। तो ये 50-50 डिवाइड पे होता है कि अगर हमारे 6 फुट की हाइट है तो उसको हम 3 3 फुट करके 3 फुट के तीन पल्ले बना देते हैं विड्थ में। और अगर बात करें हम 6 फुट से ओवर की तो उसमें 136 mm का ट्रैक यूज़ होता है, और ये जो विंडो है ये 108 mm के स्लाइडिंग ट्रैक में है, क्योंकि इसकी हाइट अप्रोक्सीमेट 3 फुट है। और अगर हाइट 6 फुट से ओवर हो तो फिर 136 mm का ही ट्रैक लगेगा इसमें। तो फ़र्क भी आप साफ देख सकते हो, 136 और 108 mm का। और ऐसे ही इसमें 136 और 108 mm के बाद इसमें हमारे पास है टू ट्रैक, 136 mm का और 108 mm का टू ट्रैक है, जो 60 mm में है और दूसरा जो 74 mm में है। दो तरह के हमारे पास ये ट्रैक हो गए, 108 mm और 136 mm। ऐसे ही 60 mm और 64 mm, और ट्रैक के अंदर हमारी ब्रांडिंग हो चुकी है। तो इसमें जो हमारा प्रोडक्ट है डेक्योनिक है, ब्रांडिंग है इसमें। और जो हमारा ट्रैक है, मोस्टली क्लाइंट के मन में होता है कि जो यूपीवीसी के ट्रैक है कुछ टाइम बाद ख़राब हो जाते हैं, तो इसके ऊपर एक गाइड रेल लगी हुई है एल्युमिनियम की, तीनों ही ट्रैकों पे लगी हुई है और इजी टू रिप्लेस है। हम इन फ्यूचर अगर हमें कोई प्रॉब्लम आती है या ख़राब होता है तो हम इजीली इसको रिप्लेस कर सकते हैं। और बात करें हम हैंडल की, तो ये शॉर्ट नेक हैंडल है फोर विंडो। अगर बात की जाए डोर के लिए तो डोर के लिए हमारे पास टी हैंडल है। ये जो डी हैंडल है अच्छे से ग्रिप होता है और मल्टी पॉइंट लॉक सिस्टम सपोर्ट करता है।
इजी टू ग्रिप है, पूरी पकड़ बनती है इसके ऊपर और इससे हम स्पैज कंट्रोल करते हैं। और नीचे सिलेंडर के लिए भी ऑप्शन बना है कि आप इसको चाबी से लॉक कर सकते हैं, जहाँ आप अंदरली साइड पे नोब रखो या चाबी रखो वो भी ऑप्शन है इसमें। तो ये डी हैंडल भी बेस्ट ऑप्शन है। जो डी हैंडल मेन डोर लुक के लिए होता है और जो शॉर्ट नेक होता है वो विंडो लुक के लिए होता है। और हमारे जो स्टॉपर भी हैं ये मेटल के हैं और प्लास्टिक के नहीं है कि आसानी से टूट जाएं, और ये मेटल के हैं। सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें।